विद्यार्थियों नमस्कार। और आप लोग सब बढ़िया हैं? तो आज क्या हम लोग पढ़ें, क्या पढ़ने, क्या टॉपिक हमने निश्चित किया है पढ़ने के लिए? ममता कालिया। तो ममता कालिया जी के बारे में कोई बच्चा बताएगा थोड़ा बहुत? चलिए कोई बात नहीं। हम पहले शुरू करते हैं चार पंक्तियों से, क्योंकि बिना इष्ट आराधना के कार्य सफल नहीं होता। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। मैं माता सरस्वती और विघ्नहर्ता भगवान गणेश को नमन करता हूँ, ताकि जो मेरा यह शिक्षण कार्यक्रम है, आज का सेशन है, निर्विघ्न रूप से सफल हो, इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा न हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, ममता कालिया एक ऐसी सशक्त लेखिका हैं जिनका लेखन में कोई जवाब नहीं, कोई उत्तर नहीं। कि मैंने एक जगह कहा है कि हो बुलंदी पे हम हर खुशी के लिए, हार भी राह में साथ चलते रहें, कांटों से भी दोस्ती हो जाए। तो ऐसी ममता कालिया जिन्होंने धर्मनगरी, जो मथुरा में वृंदावन है, वहाँ पर इनका अवतार हुआ, जन्म लिया, और एक ऐसे साहित्यिक परिवार के घर आपका जन्म हुआ जिसमें हिंदी साहित्य का वातावरण हर एक प्रकार से था। पिता विद्याभूषण अग्रवाल, जो स्वयं आकाशवाणी के कार्यक्रम अधिकारी रहे, उनके छोटे भाई भारत भूषण अग्रवाल, डॉक्टर भारत भूषण अग्रवाल, वो हिंदी साहित्य के मूर्धन्य व्यक्तित्व थे, और स्वयं विद्याभूषण अग्रवाल तो थे ही थे। चूंकि अनेक स्थानों पर सेवा काल में स्थानांतरण होने के कारण डॉक्टर ममता कालिया जी की शिक्षा स्थायी रूप से एक जगह नहीं हुई, मुंबई, पुणे, इंदौर इत्यादि जगहों पर आपने शिक्षा ली, और इंदौर से आपने पीजी किया अंग्रेजी में, उसके बाद फिर पीएचडी की दौलतराम कॉलेज में पढ़ाने आ गई। आपके अनेक कृतियों में से कृतियां हैं जो एनसीईआरटी के 12वीं कक्षा में एक कहानी, जो अभूतपूर्व कहानी है, उसका संकलन है। और चूंकि ममता कालिया एक सहृदयी लेखिका हैं, ममता के सागर को, ममता की गंगा बहाने वाली हैं, ममता के सागर में गोता लगवाने वाली हैं, और साहित्य साधना से आपने पाठकों को एक अपनी ओर चमत्कृत करके और आकृष्ट किया है। ममता कालिया की जो कहानी है दूसरा देवदास, इस कहानी में एक बच्चा दिल्ली से
लगभग 19-20 साल का बच्चा है, उसका नाम है संभव। वो अपनी नानी के घर हरिद्वार जाता है और वहाँ जा कर के, चूँकि निर्जला एकादशी का समय है और वह हर की पौड़ी पर गंगा स्नान के लिए जाता है। गंगा स्नान के पश्चात वह शाम के समय जो हर की पौड़ी पर जो प्राकृतिक छटा दीयों की, फूलों की और आरती के समय की जो छटा है, वो उस छटा का वर्णन लेखिका इतने चित्रात्मक रूप में करती हैं, कहा नहीं जा सकता। ऐसी चित्रात्मकता उन्होंने प्रस्तुत की है जो अक्षी पटल के सामने, आँखों के सामने हूबहू उतर आता है। लड़का नहा करके जाता है एक और वहाँ पंडे सब जो है बारी बारी से टीका लगाते हैं, तिलक करते हैं, और एक लड़की जिसका नाम है पारो, वो पारो जो है अचानक उसके पास आकर के खड़ी हो जाती है। उसकी गीली चुन्नी उसके शर्ट से लग करके उसका शर्ट भी गीला हो जाता है। पंडा सोचता आशीर्वाद देता है, दूधो नहाओ पूतो फलो, तुम्हारी जोड़ी अमर रहे, तुम लोग कल फिर इसी अवस्था में इसी जोड़ी में आना। और ऐसा सुनकर संभव जो है आश्चर्यचकित हो जाता है कि भाई ये क्या हुआ, हमारी तो शादी भी नहीं हुई, हमारा तो कोई जोड़ा भी नहीं है। देखता है कि एक लड़की खड़ी है तो तुरंत उससे अलग हो जाता है, उसकी चुन्नी से उसका शर्ट गीला हुआ रहता है। तो उसके बाद जो है वो जो है घर जाता है, घर में उस लड़की की जो छटा है उसकी आँखों में बस जाती है। बार बार जो है वो उस छटा को, उस दृश्य को देखता है, देख करके वो आश्चर्यचकित रह जाता है और वो सोचता है कि मुझे ये क्या हो गया। मतलब अचानक अपरिचित युवती को देखकर उसके मन उसके प्रति आकृष्ट हो जाना, उसके प्रति जो है एक मधुर भाव, मधुर संवेदना उमड़ आना, ये लेखिका का ये साहित्यिक चमत्कार है। और वो जो लड़का है, जो कहानी का पात्र है संभव, बार बार कहता है और कि भाई ये क्या हो रहा है, मैं उस लड़की से मिलूँगा और उस लड़की से दोबारा ये बातें होंगी, मैं करूँगा। और उसकी नानी दूसरे दिन गंगा स्नान के लिए जाती है और कहती है कि बेटा चलेगा, आज बैसाखी है, नहाने के लिए चलते हैं। तो कहता नानी अभी मैं सोऊंगा, मेरी ओर से भी एक डुबकी लगा लेना। तो वो जाती है और वहाँ पर जो है डुबकी लगा करके आती है और आ करके वो उसको लड़के को खाना देती है खाने के लिए, और लड़का जो है खाना खाता है और फिर जो है शाम को पुनः जाता है। और जो वो ट्रॉली जो होती है, ट्रॉली के पास जा करके और देखता है, उस लड़की को पहचानने की कोशिश करता है और एक बच्चा जो है वो छोटा सा बच्चा है उससे दोस्ती कर लेता है। कहता मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हारी बुआ का क्या नाम है, तो बोलता है कि मेरी बुआ का नाम पारो है। तो वो पहचान लेता उस लड़की को, तो कहता मेरे अपने बुआ से बात कराओगे, तो कहता हाँ बात कराऊँगा। फिर जो है संभव का मिलना होता है, उसके बाद जो है फिर यहाँ यहीं वो कहानी समाप्त हो जाती है। पर इस कहानी का सारांश यह है कि अपरिचित युवती से एक युवक का, अपरिचित युवक का आकर्षण जो है देखते बनता है और इस कहानी में मानवीय संवेदना है और प्राकृतिक संवेगात्मक भाव है, प्राकृतिक संवेग है जो लेखिका ने जो है यहाँ पर दिखाया है और संभव के माध्यम से
पारो का दोबारा से मिलना और एक बच्चे के माध्यम से कहती कि तुम पूछते तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है, तो कहता कि मेरे दोस्त का नाम पता नहीं। कहते तो तुमने तुम्हारा दोस्त है तुम्हें तो अपने दोस्त का भी नाम नहीं पता, तुम्हारा दोस्त तुम्हारी दोस्ती जिससे हुई है उस दोस्त का भी नाम नहीं पता तुम्हें। तो इस प्रकार से ये बात जो है वो लड़की कहती है। और इस कहानी में जो इसका मूल तथ्य है कि एक प्रेम की, सच्चे प्रेम की प्रकाष्ठा, दूसरा जो है हर की पौड़ी का चित्रण, गंगा की आरती का मधुर संगीत गुंजायमान होना, संगीतमय वातावरण हो जाना, और इस कहानी में दिखता है। और ममता कालिया जी ने इस कहानी के माध्यम से ही नहीं अनेक कहानियों में स्त्री का गुणगान किया, स्त्री के महत्व पर चर्चा की, और जो है निर्धनता पर चर्चा की, और यथार्थवाद जो होना चाहिए उस पर चर्चा की है उन्होंने। और बाकी आप लोगों को इस कहानी के माध्यम से जो मैंने जो कुछ भी बताया है उस वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि ताकि और ममता कालिया जी के को जितने पुरस्कार मिले, एकेडमिक पुरस्कार मिला और जो है अनेक संस्थाओं ने पुरस्कृत किया, इंदौर में भी इनको पुरस्कार मिला, यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में दौलतराम कॉलेज में पढ़ाती थी यहाँ पर भी अनेक पुरस्कारों से इन्हें नवाजा गया। तो ऐसी लेखिका आज जो है दिल्ली में ही रह करके स्वतंत्र लेखन कर रही हैं, मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि आपने हिंदी साहित्य को इतना योगदान दिया और हिंदी साहित्य के लिए आपने बहुत कुछ किया है, वो उत्कृष्ट कार्य किए हैं, और सर्वोच्च लेखन के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं ईश्वर से शुभकामना करता हूँ कि आप दीर्घायु और चिरायु रहें। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, आपने सुना इस लेक्चर को, ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद।